हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। हर कोई ये सोचता है कि ये तो स्टार का बेटा है, इसकी लाइफ तो बड़ी मस्त होगी। बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि स्टार्स के बच्चों के आगे स्कूल में हर कोई आगे पीछे घूमता होगा। इतना ही नहीं, कुछ तो ये भी सोचते होंगे कि स्कूल में स्टार्स के बच्चों का ही राज चलता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्स के बच्चों के साथ स्कूल में अच्छा नहीं बल्कि बेहद बुरा व्यवहार होता है। उन्हें बुली किया जाता है, पीटा जाता है और तो और उनका मजाक तक बनाया जाता है। आपको बता दें कि इस बात का खुलासा खुद बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और उनके पोते करण देओल ने किया। दरअसल हाल ही में फिल्म पल पल दिल के पास के प्रमोशन के लिए सनी और धर्मेंद्र अपने लाडले करण देओल और सहर बांबा के साथ कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे थे। इसी दौरान शो में धर्मेंद्र ने बताया कि स्टार किड होना आसान नहीं है, लोग उन्हें लेकर जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको बता दें कि शो के दौरान कपिल ने करण से एक सवाल किया और पूछा कि करण, क्योंकि आप देओल फैमिली से हैं, धर्म पाजी दादाजी हैं आपके और सनी पाजी पिताजी हैं आपके, स्कूल में कितना फायदा मिलता था इस बात का कि कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में टीचर ने आपको जानबूझकर इग्नोर कर दिया हो? नहीं नहीं, सनी देओल का बेटा है, इसको कुछ नहीं कहना। कपिल के सवाल पर करण ने कहा कि उसका उल्टा होता था मेरे साथ। वो बोलते थे कि तू एक चीज के लिए अच्छा है, बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू कहीं जाएगा नहीं जिंदगी में। वहीं जब कपिल ने करण से पूछा कि ऐसा क्यों कहते थे तो इस पर उन्होंने कहा कि क्योंकि जमाना बदलता है, उन लोगों को लगता था एक्टर का बेटा है, एरोगेंट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि मैं शर्मीला था, ज्यादा बात नहीं करता था, तो वो मिसअंडरस्टैंड करते थे उसकी वजह से, तो मैं क्या बोलता, ये उनका ओपिनियन था, मेरा ओपिनियन अलग था बस। वही इस बात को लेकर धर्मेंद्र ने कहा कि हाल ही में पता चला कि करण जब अपनी क्लास में था तब उसके कुछ सीनियर्स ने उन्हें ये कहते हुए धक्का देकर गिरा दिया था कि तुम सनी देओल के बेटे हो, तुम आसानी से उठ सकते हो, लोगों को लगता है कि स्टार किड होना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल अलग है। ये बच्चे समान और सामान्य व्यवहार चाहते हैं, लेकिन स्टार्स के बच्चों को टॉर्चर किया जाता है और इसलिए वो विदेश में पढ़ाई करना पसंद करते हैं। मैंने कहा मुझे बुला लेता, मैं तो खैर दबंग ही था, मैं तो दो चार को पीट कर आता, मेरे तक बात आती नहीं थी, लेकिन अब मुझे सुन के मेरा दिल अंदर से कहता है कि उस टाइम मुझे कुछ नहीं बताया, वो कहाँ है, अभी मैं उसे ढूंढ लूँ। तो देखा आपने, धनपाजी की बातों से साफ बयां हो गया है कि स्कूल में स्टार किड्स को टॉर्चर किया जाता है और वो अब भी इस बात को लेकर गुस्से में बैठे हैं। आपको बता दें कि पल पल दिल के पास हाल ही में रिलीज हुई है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इस फिल्म ने संजय दत्त और सोनम की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। वैसे आप धर्मेंद्र और करण देओल की बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। आपने तो फिल्म को इस कदर प्रमोट किया है, ऑब्वियसली ये बहुत इमोशनल मोमेंट है टू सी करण टेक हिज प्लेस ऑन स्क्रीन। पहले तो आज मीडिया से आए हुए तमाम भाइयों को बहुत सा प्यार, बहुत सारी दुआएं। दोस्तों, आज मुझे ऐसे लग रहा है करण मैं हूं और मेरी फिल्म रिलीज होने जा रही है, वही धड़कने हैं, जज्बाती इंसान हूं। मैंने सनी को छोड़ दिया था, बेटे जैसा तुम चाहो, हमें फिल्म बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ही फिल्म बनानी है, वी मस्ट कैरी ऑन विद सम गुड फिल्म्स। ही सेड पापा आई प्रॉमिस यू आई विल डू दैट। सो आई डिडंट सी मच ऑफ द पिक्चर, ऑल्सो आई सॉ द सॉन्ग्स एंड वाज क्वाइट हैप्पी। आफ्टर सीइंग ऑल दिस वर्ड्स ऑन द स्क्रीन टुडे, आई कैन ओनली से वेयर ईगल्स कांट डेयर, my son Sunny can dare, my unit can dare. I was watching everybody. I love this strong unit who has been carrying all the luggage, going up so much high. जहाँ सांस भी नहीं लेते, यहाँ पे ऑक्सीजन कमी कमी है। बहादुर हो यार, मैं हकीकत में खरदुंगला पास वर्ल्ड हाईएस्ट रोड पे शूटिंग की है मैंने भी, तो ये मेरा नाम रोशन करेंगे मुझे लग रहा है। पूरी यूनिट ने बहुत काम किया है, स्टोरी में भी दम है, रोमांस है, सब है। तो बेटे, मेरी धड़कने तुमसे ज़्यादा तेज़ हैं, कल सारा दिन
उसकी दुआएं भी बरसती नहीं सारा, इतनी बरसती नहीं कि आप कल आइए, आज मुझे बरस लेने दो, मुझे दुआएं दे लेने दो, ऐसा लगा मुझे आज आपकी दुआएं पाने के लिए हम आए हैं। हमने अच्छी फिल्म बनाई है, मैं सारी यूनिट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब रिजल्ट तो उसके हाथ में, कल आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, उनकी आवाज़ क्या कहती है कल इसके बाद पता चलेगा, लेकिन उम्मीद पे जिंदा है हम। हम हारने वाले नहीं हैं। जो 60 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में आए हुए, मैंने जी भर के प्यार पाया है। उसकी मेन रीज़न इज़ आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन। मैंने कभी अपने आप को अच्छा कहलाने की कोशिश नहीं की है, मैंने अच्छा बनने की कोशिश की है। अच्छा बनोगे तो अपने अच्छा लोग अच्छा कहेंगे। यहाँ हमारे आर्टिस्ट लोग सिर्फ अच्छा कहलाने में लगा रहते हैं, गिर जाते हैं बेचारे, फिर चढ़ते हैं। कोशिश करो शुरू से अच्छा बन के चले हो, समझे बेटे? मैं कह किसी से रहा हूँ, सुना तुझे रहा हूँ। टू बी हम्बल, टू बी नाइस, टू बी गुड विद यूनिट, दैट यू आर, आई थिंक आई कैन सी यू मोर इमोशनल देन आई। और मेरे बेटे दोनों ही रो पड़ते हैं मुझे देख के यार। हमारी फैमिली में हम लोग इस इंडस्ट्री में होके भी इस इंडस्ट्री के नहीं हैं, वही गांव के हैं। तो बाकी मेरे बच्चे, मेरी बच्ची को आपको बहुत सी दुआएं बेटे, शी हैज डन वंडरफुल। कहाँ कहाँ बेचारी को लटका दिया पहली पिक्चर में। लव स्टोरी, मोहब्बत तो कहते हैं कि जानलेवा होती है, ये मोहब्बत तो जान जान जानलेवा लग रही है मुझे। कहते हैं मोहब्बत जानलेवा होती है, मगर ये मोहब्बत तो बहुत प्यारे हो बच्चे, खुश रहो। अब अपने आज इनका दिन है, इनसे पूछिए, मेरी दुआएं हैं, आप सबकी दुआएं चाहिए, बस मैं इतने कहता हूं। धर्म पाजी, सॉरी टू कट यू, बट आई वांट एवरीवन टू क्लैप फॉर हिज फैमिली। व्हेन द रेन्स हैपेंड दे गेट आउट ऑफ देयर होम्स फ्रॉम देयर बंगलोज एंड हेल्प कॉमनर्स। इसके लिए मैं आपकी सीरियसली एज अ मुंबईकर आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। कल भी वो सिचुएशन थी एंड आई थिंक कुछ तो है सनी जी, कैन सी द फ्यूचर, बिकॉज इसमें भी वो बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश उन्होंने कहा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड यस्टरडे। आई विल वांट टू मूव ऑन टू योर ग्रैंडसन करण। आई डोंट नो हाउ यू आर फीलिंग, योर डैड इज़न्ट हियर टुडे। आई नो इट्स वेरी वेरी इमोशनल बिकॉज ही वॉज अ यू नो अ कम्प्लीट बंडल ऑफ नर्व्स यस्टरडे, जब उनको पता चला कि कल लॉन्च नहीं होगा। And he is just as emotional as he is. So I don't know how you're feeling without him. Kaise lag raha hai? Because of the unfortunate accident in Gurdaspur, he's not here today. And prayer and condolences from the whole Palpal team to those families that were affected by it. And he's gone to do his duty. And he has confidence in me that I'll do mine. So from here, it's my turn to push on and take lead. Always doing the right thing. That's what dad is all about. Always doing the right thing. His grandson is so good, so emotional person. Beyond sabka, sare jahan ka dard hamare jigar mein hai, dosto. So sweet. Karan, I have to ask you this. He is also a realist, your dad. So when you did, and I've seen many interviews where you said yes, you know suddenly you told him I want to be an actor. Jisme aap bahut katra rahe the. Were you scared he's going to give you a reality check? And did he give you a reality check? Yes, he did give me a reality check because I was scared. Because you know, with the industry, whatnot. There's a lot of negativism, there's a lot of criticism, and everyone's entitled to their opinion. No one's right or wrong, because there'll always be good and bad opinions. And he's right if you're mentally and emotionally ready for it, because the bad times actually make you who you are. How you push on for the bad times and not give up and succumb to the pressure, that makes who you are. And he said, if you're prepared for that, then Rocky, I'm all behind you. Lovely, sir. I have to ask you, how did you rely yourself on this boy? Did you see him work out in the gym? What did you see of him saying, "Acha, iske upar bhi tangna hai, I have to get down on this." You know, there's lots of tasks you had to do there, the rappelling and all. Amazing work, Karan. You want to tell us how did you just put all your confidence on his shoulders? I don't think I had a choice, but no, I know how strong he is, so I knew that I'll be safe. Yeah. And how has the experience been? Because it's breathtaking. Like, I'm so waiting to take a trip to Himachal. Was it a first for you?
It's a first for me as well, and I am from Shimla, but I've never experienced, I've never gone to these locations, and it's been an emotional journey, and right now also when I was watching the trailer, I broke down, I just got so emotional. इतने सारे पल हैं रिकाउंट करने के लिए. इट्स ओवर टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, योर क्वेश्चंस टू कम. फाइनली वी हैव करण देओल एंड सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस काइंड एंड ग्रेशियस. क्वेश्चंस एवरीबॉडी, हैंड्स अप. करण, धर्म भाई सत श्री अकाल, एंड सहेद, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट. सो माय फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड वेलकम टू बॉलीवुड. थैंक यू वेरी मच. सो करण, मेरा आपसे सवाल, जैसे आपने खुद कहा कि प्रेशर बहुत होता है, सो जैसे आपने कहा देयर इज वी कांट डिनाई द फैक्ट ऑफ द ऑन गोइंग डिबेट ऑफ नेपोटिज्म, सो व्हाट इज योर इनर टर्मोइल, बिकॉज समवेयर अराउंड यू हैव दैट प्रेशर टू कैरी ऑन द लेगेसी, बिकॉज नॉट ओनली यू आर द सन ऑफ सनी पाजी, यू आर ऑल्सो द ग्रैंडसन ऑफ आर बिलवड ही मैन धर्म जी. सो व्हाट्स गोइंग इन साइड यू, बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ प्रेशर. Yeah. See, if you think of pressure, then you won't be able to ever move ahead in life. So you have to always stand as your own identity and do what you think is 100% in your heart. And at the end of the day, your work speaks for itself. So hopefully my work will speak for itself. Wow.